वेलकम बैक एट एजुकेशन पॉइंट। आप सभी को एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर के हु निगेटिव सेंटेंस को बताने जा रहे हैं। और इसके पहले मैंने वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर के हु अफर्मेटिव सेंटेंस को बता दिए थे। और मुझे विश्वास है कि आप उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप अनेक प्रकार के बड़े बड़े वाक्यों को बहुत आसानी तरीके से आप इन्वॉल्व करना अर्थात उसको ट्रांसलेट कर लिए होंगे। मुझे विश्वास है कि वो वीडियो आपको बिल्कुल रुचिक पूर्वक समझ में आया होगा। आइए मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर के हु निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी आइए हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर को क्या होता है। यह रूल नंबर 4 हमारा है, हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। थोड़ा सा रूल बड़ा है बट बड़े बड़े वाक्यों को हम आसानी तरीके से बना देंगे। हमारा क्या कर रहे हैं कि वर्षा होने के बाद बाजार कौन नहीं गया था। कहा जा रहा है कि वर्षा होने के बाद बाजार कौन नहीं गया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बाद वाले वाक्य को हम क्या करेंगे, एक अंडरलाइन कर लेंगे। क्या हो गया, बाजार कौन नहीं गया था। क्या दिया है, बाजार कौन नहीं गया था। इस वाक्य को हम इसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आइए ध्यान दें, बाजार कौन नहीं गया था रूल के अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हु, फिर क्या होगा, डिड, क्या लिखेंगे, डिड, देखिए हु, फिर क्या होगा, डिड, फिर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, हु डिड नॉट। और देखिए यहाँ पे गया, जाना का वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है। जी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गो, तो हम क्या लिखेंगे, हु डिड नॉट, और जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो टू। और पूछ रहे देखिए यहाँ पे बाजार, बाजार हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ओके। फिर किसका प्रयोग करेंगे हम, आफ्टर, देखिए अगर वर्षा होने के बाद तो क्या लिखेंगे, आफ्टर, ओके। सब्जेक्ट देखिए यहां पर क्या दिया, वर्षा, हम लिखेंगे इट, इट क्या लिखेंगे, आप ध्यान दें वर्षा ना, हम क्या लिखेंगे, द रेन इट है, क्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट, ओके इट, देखिए इट हो गया। अब फिर किसका प्रयोग करेंगे, हेड, इट हेड, रैंड, आर ए आई एन ई डी। और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें पहले कि वर्षा होने के बाद बाजार कौन नहीं गया था, हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे बाजार कौन नहीं गया था, आपने लिखा हु, फिर क्या हुआ, डिड, फिर आपने किसका प्रयोग, नॉट, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म गया का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और ऑब्जेक्ट क्या दिया, बाजार, तो टू मार्केट, तो हु डिड नॉट गो टू मार्केट। अरे वर्षा होने के बाद तो क्या लिखेंगे, आफ्टर, और सब्जेक्ट क्या हमारा हो गया, इट, वर्षा के द्वारा, तो इट, फिर किसका प्रयोग करेंगे, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, आर ए आई एन ए डी, तो क्या होगा, हु डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर इट हैड रेन। आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं। क्या दिया, श्वेता को उर्दू लिखने के बाद, श्वेता को उर्दू लिखने के बाद एक कहानी कौन नहीं लिखा था, एक कहानी कौन नहीं लिखा था। तो हम सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, इस वाक्य को हम बनाएंगे पहले, एक कहानी कौन नहीं लिखा था, फिर वही हमारी रूल होगी। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हो गया, फिर किसका प्रयोग करेंगे, डिड, फिर नॉट, हो डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा सर, राइट, राइट, एक कहानी, ऑब्जेक्ट पूछ रहे, और स्टोरी, और स्टोरी, फिर क्या करें, श्वेता को उर्दू लिखने के बाद, फिर किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर, क्या हो गया आपका, आफ्टर, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, श्वेता, इसके नेम है इसीलिए पहला चल क्या होगा, कैपिटल लीटर लिखेंगे, श्वेता, फिर क्या लगेंगे, हेड, श्वेता हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का लिखना, यानी कि लिखने का होता है थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन,
डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन क्या हो गया, रिटेन। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू। उर्दू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। सो हम क्या लिखेंगे, उर्दू, यू आर डी यू, क्या हो गया उर्दू। लास्ट में किसका मैं क्वेश्चन है, क्या हो गया, श्वेता को उर्दू लिखने के बाद एक कहानी कौन ने लिखा था, पर लेकिन एक कहानी कौन ने लिखा था, तो क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे हु, फिर क्या होगा डिड, फिर क्या होगा नॉट, और लिखना क्या फर्स्ट होता था राइट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा और स्टोरी। फिर कह रहे हैं श्वेता को लिखने के बाद, तो फिर किसका प्रयोग हो गया, हु डिड नॉट राइट अ स्टोरी आफ्टर, और सब्जेक्ट क्या हो गया श्वेता, या जो लिखा जा रहा है ये श्वेता क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे श्वेता, फिर क्या होगा हेड, और लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका देखिए थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे रिटेन, क्या होगा हेड रिटेन उर्दू जी। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके लाइन ग्रुप में आप इसके एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने का प्रयास करें और अपलोड कर दिया जाएगा, और मुझे विश्वास है कि आप इस रूल को भली बात समझ गए और बहुत जल्दी